नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का इस बात का दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद खास है। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी रण क्षेत्र बनारस के हरहुआ से सटे वाजिदपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। जनसभा की सफलता के लिए भाजपा का पूरा संगठन सूबे के सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सरकार के मंत्रियों व विधायकों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 50,000 लोगों को जुटान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री काशीवासियों को 12,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके बड़ी सौगात देंगे। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए टिफिन बैठक का विशेष आयोजन किया है। देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल और महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय बता रहे हैं कि कैसी है तैयारी। विश्व के सर्वमान्य नेता और भारत में अत्यंत लोकप्रिय यशस्वी हम सभी के नेता आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 जुलाई को काशी में हो रहा है। यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण वो लगभग 3 माह के अंतराल पर काशी आते रहते हैं और जब भी आते हैं एक बड़ी सौगात काशी को दे करके जाते हैं। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन लगभग 4:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरने के बाद वाजिदपुर पहुंचेंगे जनसभा स्थल पर। वहां पर मंच के नीचे 20 लोगों से 20 लाभार्थियों से वो उस समय के लिए संवाद करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर आएंगे। मंच पर आने के बाद स्वागत आदि होने के बाद 9 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभान्वित करेंगे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे जनसभा समाप्त होगा वह BLW के गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। BLW के गेस्ट हाउस बैठक के नाम से है। टिफिन बैठक के रूप में हमारे इस तीनों विधानसभा महानगर के जनप्रतिनिधि रहेंगे, यानी MLA MLC महानगर में रहने वाले प्रदेश के सभी पदाधिकारी क्षेत्र के पदाधिकारी महानगर की कमेटी और नव निर्वाचित हमारे महापौर और पार्षद और महानगर के 13 भारतीय जनता पार्टी के मंडल के मंडल अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद कार्यक्रम के बाद सबके साथ बैठ करके टिफिन का कार्यक्रम होना है। सब लोग आपस में टिफिन का काम करेंगे। फिर इसके बाद 8 तारीख को सुबह जो अभी तक की जानकारी है माननीय प्रधानमंत्री जी BLW से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर वो अपने दिल्ली को प्रस्थान करेंगे, ये सूचना है। लगभग तो इसमें यह विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसमें 19 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये दोनों मिलाकर के 12,120 करोड़ रुपए का लगभग ये परियोजनाएं हैं और इसमें जो प्रमुख कार्यक्रम है वो स्वनिधि योजना के अंतर्गत, हम सभी जानते हैं स्वनिधि योजना के अंतर्गत कोविड में जो रेहड़ी पटरी वाले हमारे पीएम आवास की पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख पीएम आवास निर्मित हुए हैं अभी पूरे उत्तर प्रदेश में, उनका यहाँ से प्रतीकात्मक चाबी देने का आज काम करेंगे। और एक हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख बीमे का जो हमारी केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य
योजना है उसके तहत पुनः नया 2.88 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड की लॉन्चिंग करेंगे। यह प्रमुख कार्यक्रम है। 90+10 19 परियोजना का लोकार्पण, 10 का शिलान्यास। सभा है वह लाभार्थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिल करके एक विशाल जनसभा करने का निर्णय किया है। वह लगभग 50,000+ की जनसभा होने जा रही है और इस जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, ये सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर, बूथों पर मेहनत करके इस जनसभा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। एक विशाल जनसभा होने जा रही है। कुर्सियां लगी है, कुर्सी हमारा जो है, कुर्सी की जो संख्या प्रशासन चुकी है, सरकारी कार्यक्रम है तो 50,000 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है संख्या लाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम लगभग 35,000 के आसपास कुर्सी वहां लगाने का काम करेंगे और जैसी आवश्यकता होगी कुर्सियां रहेंगी, कुर्सी बढ़ जाएगी। कैसी जगह है, मतलब मैदान को या किसानों को? वह किसानों का, प्रशासन ने किसानों से भरपाई करके किसानों का खेत लिया है क्योंकि इतना बड़ा फील्ड कोई सरकारी फील्ड नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब विशाल जनसभा होता है तो वह किसानों का खेत या फील्ड मिला करके लिया जाता है, तो किसानों का खेत। हम जैसा जान रहे हैं कि वो 7 जुलाई को लगभग 4:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से वाजिदपुर जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। जनसभा स्थल पर पहुंचने पर सर्वप्रथम वो 20 लोगों से, लाभार्थियों से नीचे संवाद करेंगे मंच के नीचे। तत्पश्चात वो मंच पर जाएंगे। मंच पर जाने के बाद उनकी स्वागत का औपचारिकता पूरा होने के बाद 9 लाभार्थियों को वह मंच पर लाभान्वित करेंगे। तत्पश्चात एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे और लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा के परियोजनाओं राशि के परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और वहां के बाद वो सीधे BLW गेस्ट हाउस आएंगे। गेस्ट हाउस में लगभग 7:30 बजे महानगर के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे MLC हो, MLA MLC, इसके बाद क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी जो महानगर में रहते हैं, महानगर के कमेटी, मंडल के अध्यक्ष और महापौर और हमारे सभी निर्वाचित तीर्थ पार्षदों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद का कार्यक्रम है। और टिफिन के साथ जो अपेक्षित श्रेणी के बैठक में अपने घर से टिफिन बनवा के ले आएंगे और आपस में मिल बैठ के खाएंगे। 2024 हम तो भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव जीतती है, एक चुनाव होता है, समाप्त होता है, उसके तत्काल बाद अगले चुनाव की शंखनाद हो जाती है। तो शंखनाद पहले से है। माननीय प्रधानमंत्री जी बीच बीच में आते रहते हैं कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए और बड़ी राशि की परियोजना लेके आते रहते हैं और सौगात देते रहते हैं। कितने लोगों के साथ टिफिन करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी लगभग 120 लोगों के साथ टिफिन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। प्रधानमंत्री का टिफिन कहाँ से आएगा? प्रधानमंत्री जी का टिफिन जहाँ प्रधानमंत्री जी रुकेंगे वही उनका घर है, वही उनका रसोईया है। तो काशी के मोदी जी है और मोदी काशी के है, काशी मोदी जी का है, तो जहाँ रुके उसी जगह से टिफिन हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय। जानते हैं कि वाजिदपुर की जनसभा में कितने लोग शहर से जाने वाले हैं? 20,000 से ज्यादा। हमारी जो बूथ स्तर तक की जो तैयारी हुई है उसमें 20,000 से ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता भी एकदम उतावली है माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हम सब पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, दूरी काफी लंबी है तो उनको ले जाने का क्या इंतजाम किया गया है? हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की मोटर है, टोटो दिया गया है, बसों से भी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जो है अपने साधनों से भी आएंगे। तो साधन की उपलब्धता है, कोई अगर जाना चाह रहा है तो उसके सामने सारी व्यवस्था करी है, तो वहाँ कार्यक्रम में जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। कार्यकर्ताओं को जाने के लिए कोई पास भी जारी किया गया है क्या? नहीं, कार्यकर्ता सभा के लिए कोई पास जारी नहीं किया। आज कुछ पास आने वाले हैं सर, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता, आम जनता सभा में जा सकती है और माननीय प्रधानमंत्री को सुन सकती है। बेरोक टोक। तो इस बार की जनसभा 2024 का शंखनाद है,
आप चूंकि चुनाव आ रहा है तो आप शंखनाद कह सकते हैं, अदरवाइज सभाएं तो हमारे यहाँ हर बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं तो कुछ करोड़ों के हजारों करोड़ दे करके ही जाते हैं। इस बार तो 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को देखे जा रहे हैं, तो हम सब बिल्कुल गौरवान्वित हैं और उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप बनारस की जनता को और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जनसभा में आने के लिए? मैं चाहूंगा कि काशी की जनता जनार्दन, जो प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी लालायित रहते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुंचे और माननीय मोदी जी की बातों को सुने। पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, संतोष सोलापुरकर, शैलेंद्र मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।